तो भाई मैं वीडियो को कैसे एडिट करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, क्या क्या मेरे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे सुनने को मिलते हैं, मतलब कि देखने को मिलते हैं। और जो रिसेंटली मैंने वीडियो डाली थी, जो नॉर्मल सी वीडियो को हम कैसे बदल सकते हैं सिनेमेटिक लुक के अंदर, तो उसके अंदर भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे कि यार हमें भी बताओ यार, हम भी चाहते हैं कि ऐसे कमाल की वीडियो एडिटिंग करना। तो यार इसका एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल एडिटिंग करता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, जस्ट आपने अभी स्टार्ट भी किया है वीडियो को एडिट करना, तो भी आप मेरे जैसे एडिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग का एडिटिंग ब्रेकडाउन सीरीज़, जिसके अंदर आपको सब कुछ मैं डिटेल बाई डिटेल समझाऊंगा, और जो भी मैंने वीडियो को एडिट किया होगा उसको प्रॉपरली आपके सामने खोल के रख दूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसके अंदर मैंने ये यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया, इसका क्या मतलब है। और रुको एक मिनट, रुको यहाँ पे, एक बात मेरी सुन के जाओ। पहली बात तो ये, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो आप मिस कर जाओगे। सबसे पहले, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो या काइनमास्टर यूज़ करते हो, या आप वी एन ऐप को यूज़ करते हो या फाइनल कट, तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप यूज़ करते हो वीडियो को एडिट करते वक्त, तो आपने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर प्रोसेस अलग होगा या इस ऐप के अंदर वो प्रोसेस अलग होगा। वीडियो एडिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, पर थोड़े बहुत फीचर्स अलग होते हैं। पर जो मैं एडिटिंग करता हूँ वो आप ऐप में भी कर सकते हो और आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो। तो यार जो भी आपकी चाय है, कॉफ़ी है, कोक वगैरह, वो आप लेके आ जाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो से स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो एडिटिंग की दुकान खुल चुकी है और मेरे सामने यहाँ पे ये वही वीडियो है जो रिसेंटली मैंने जिसको आपको दिखाया था कि नॉर्मल सी वीडियो को हम कैसे बना सकते हैं सिनेमेटिक लुक के अंदर। तो उसी का सारा जो मेन टीज़र था ना, जो आपने देखा था कि सब कुछ हो के जो वीडियो बन के आती है मेरी, तो वही ये सारा का सारा पार्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये मेरी टाइमलाइन है और यहाँ से मैं सबसे पहले वीडियो को प्ले करता हूँ थोड़ा सा जूम करके। और एक चीज़ नोटिस करना, जैसे जैसे म्यूज़िक आएगा, म्यूज़िक में ना कुछ बीट्स हैं, जैसे टैं 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 करके कुछ स्लो सी बीट्स आती हैं, वैसे वैसे मेरे सीन्स चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोटिस करना, मैं थोड़ा सा वीडियो को प्ले करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे म्यूज़िक के साथ कैसे मतलब कि सीन्स चेंज हो रहे हैं, तो सबसे पहली टेक्निक आपकी ये होनी चाहिए कि आपने करना म्यूज़िक को सुनना है, मतलब कि आपकी वहाँ पे कोई बीट चेंज हो रही है और आपको याद रखना है कि मेरे को यहाँ पे सीन को चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ को नोटिस करो, मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके चेक करो कि स्टार्टिंग में मैंने ये वाला सीन रखा, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला सीन रखा, इसको मैं थोड़ा सा ना वॉल्यूम को डाउन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला सीन रखा, ठीक है, इसको प्ले करता हूँ। पहले ये वाला सीन आया, फिर ये वाला, फिर हल्का सा ये वाला सीन आया, ठीक है, फिर ये वाला सीन आया, देन फिर अगेन मेरा सीन शिफ्ट हो गया और फिर से मेरा सीन चेंज हो रहा है। मतलब कि मैं कितने सारे सीन्स को यहाँ पे मतलब कि चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कि वीडियो के अंदर ना मतलब कि अच्छा इंप्रेशन आए, देखने वाले को लगे कि यार वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि फिल्मों में होता है, गानों में होता है ना, कि यार सबटाइटल आता है, नंबरिंग सी आती है बीच बीच में, फिल्में जब स्टार्ट होती हैं फिल्मों में आता है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फीचरिंग सिमरन और फिर एक सीन डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिख दिया वीडियो डायरेक्टर पीजे, मतलब कि मैं ही हूँ, तो मैंने अपना नाम भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन फिर मेरा सीन चेंज हो रहा है, और देन फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा जो चैनल है उसका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले कुछ हाईलाइट्स को शो किया। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो इसको ऑडियो को करते हैं हम 50% करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बिगनर और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हों, किसी के मन में ये ना रहे कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो आप सब कुछ कर सकते हो, जस्ट आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पे मैंने कितने सीन्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। फिर से
तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब भी आपने वीडियो को स्टार्ट करना ना, तो यार म्यूज़िक को सुनो और म्यूज़िक के बीट के साथ ही चलना पड़ेगा आपको। अगर आप म्यूज़िक के बीट के साथ नहीं चलोगे तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं दिखेगी, आपकी वीडियो के अंदर अच्छा प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। अब उसके बाद हमारी क्या मिस्टेक होती है कि हम ट्रांजिशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा आगे आते हैं, सबसे पहले इसको म्यूट करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ट्रांजिशन को यूज़ किया है। जो ट्रांजिशन मैंने यूज़ किया वो है डिप टू वाइट, ठीक है। जैसे ये मतलब कि सीन यहाँ पे ख़त्म होगा तो यहाँ पे मैंने इस ट्रांजिशन को यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरा ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और मेरा नेक्स्ट सीन जो है वो स्टार्ट होता है। आपने चेक करना है कि आपकी वीडियो जो है वो ट्रांजिशन मांग भी रही है कि नहीं मांग रही है। हम क्या गलती करते हैं, कोई अच्छी सी ट्रांजिशन देखते हैं बस उसको अप्लाई कर देते हैं, मतलब ये चेक भी नहीं करते कि यार भाई चेक तो कर लो कि आपकी वीडियो मांग रही है, उसको ज़रूरत भी है ट्रांजिशन की कि नहीं है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी ट्रांजिशन मिनिमम होनी चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रांजिशन को यूज़ किया, ठीक है, डिप टू वाइट, ठीक है, यहाँ पे मेरी ये वाली ट्रांजिशन है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर मेरी यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ रही है, मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके से। मतलब कि मैंने मोस्टली जो यूज़ किया है चेक किया कि कहाँ पे मेरा जो सीन है वो ट्रांजिशन मांग रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे मैंने डिप टू वाइट लगा दिया है। अब यहाँ पे जैसा कि जो मेरा सीन था कि जो मॉडल थी, जो सिमरन थी, वो अपने बैग से फ़ोन निकाल रही है और यहाँ पे मुझे सीन को एंड करना है, मतलब कि ये वाला सीक्वेंस ख़त्म करना है फ़ोन वाला, तो वहाँ पे मैंने सीक्वेंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए ट्रांजिशंस को। मतलब कि अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ थोड़ा सा पीछे से, ये देखिए ये वाली ट्रांजिशन हमारी आई, फिर हमारा सीन शिफ्ट हुआ, फिर रिपीट हुआ हमारा सीन, और देन फिर हमारा नेक्स्ट सीन आ गया और यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन को अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से मेरा अगला सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। जैसा कि वो जो मॉडल है हमारी वो बैग वगैरह डाल रही है और अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करने वाली है। तो सेकंड हमारी टिप ये बनती है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने मिनिमम ट्रांजिशंस को यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर देना। और यहाँ पे आके मैंने ये सबसे पहले टेक्स्ट को लिखा था फील द लव, तो मेरा भाई है उससे मैंने पूछा यार कि यार कि क्या नाम दे इस वीडियो को, तो उसने बोला कि यार फील द लव अच्छा लग रहा है थीम तो उसको दे सकते हो, और मेरे भाई का नाम भी यहाँ पे होगा राहुल हुज्जा नीचे आ रहा है इसका नाम। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट दिया हुआ सबको, तो पीरे सिनेमैटिक आइडियाज भाई ये तो मैं ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फीचरिंग सिमरन खुल्लर जो मॉडल थी हमारी, और यहाँ पे जो म्यूज़िक मैंने यूज़ किया था एपिडेमिक साउंड का, तो उनको भी मैंने यहाँ पे क्रेडिट दे दिया। फ़िलहाल की मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, पर यार क्रेडिट सबको देना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए डिज़ाइनर वगैरह सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। मतलब कि आप अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, छोटी छोटी सिंपल सिंपल वे में उसको अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था हमारा ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले हम चलते हैं कलर वाले सेक्शन के अंदर ऊपर, और कलर वाले सेक्शन के अंदर जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिक कलर करेक्शन करके, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे ऐप के अंदर ये नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये नहीं है। ये जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक एप्लीकेशन के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, ओके। और यहाँ पे जैसा कि मैंने थोड़ा सा पीछे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे ये जो सीन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई, थोड़ा सा टोन वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही थी, काफ़ी ब्राइट था ये सीन, तो इसको मैंने यहाँ से एडजस्ट किया। अब ये सीन कुछ इस तरीके से शूट हुआ था, तो मैंने उसको कलर करेक्ट किया यहाँ पे, और हाईलाइट्स को मैंने यहाँ से कर दिया था -71.7। तो आपने चेक करना है कि आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने बेसिक एडजस्टमेंट्स को सही करना है कलर की। और यहाँ पे मैंने शैडोज को जो भी आप वैल्यू देख रहे हैं इसको बराबर चेक कर लेना, ठीक है। बेसिक एडजस्टमेंट्स को कम्प्लीट करने के बाद फिर आपने लट को अप्लाई करना है। लट मीन्स जो भी आपका फिल्टर होता है, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर लट्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया हुआ है। मतलब कि जो भी प्रीमियर प्रो के अंदर जो लट्स जो वो Adobe वाले खुद देते हैं उनको ही मैंने यूज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा क्रिएटिव के अंदर, और क्रिएटिव के अंदर आपको मिल जाएगी बहुत ही कमाल की सिनेमेटिक लट है, ये है SL क्लीन कोडर करके बी अल्ट्रा सॉफ्ट। मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ एक मिनट, तो ये देखिए एकदम से हल्की सी फुटेज मतलब अजीब सी लग रही है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ये देखिए कितना सिनेमैटिक इफेक्ट आ रहा है,
ऑन ऑफ। ये देखिए, मतलब कि कुछ भी मैंने ऐसा हाईफाई यूज़ नहीं किया, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर है उसी को ही मैंने यूज़ किया हुआ है, ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा ना थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कलर ग्रेड करना और वाइब्रेंस को थोड़ा माइनस में ही रखना, जिसकी वजह से ना नेचुरल सा टोन आए, ऐसा नहीं लगे कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड आपकी वीडियो है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदी सी वीडियो लगती है। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा पार्ट, तो ये देख लो भाई। और यहाँ पे मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ है जो हमारे होते हैं ना एडजस्टमेंट लेयर को, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट लेयर, जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता था कि लाइट वगैरह थोड़ी कम है तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला हमारा पार्ट है और यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है सारी की सारी, और ये हमारा सारा का सारा सीक्वेंस है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई फाई वीडियो एडिटिंग से ही हम अच्छी वीडियो बना सकते हैं, जस्ट आपने अच्छा कट यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने जो जो कट्स लगाए हुए हैं, एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पे, सो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और एक बार चेक करना ये जो सीन्स है कैसे शिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ को आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये वाला सीन आ रहा है मेरा, ठीक है। इसको पहले तो बंद करते हैं यार, ये तो बीच बीच में बजेगा। ये पहले हमारा ये वाला सीन आ गया, उसके ऊपर मैंने फिर ये वाला सीन लगा दिया, फिर मैंने सीन को चेंज कर दिया, फिर मेरा ये वाला सीन आ गया, ठीक है, और फिर मेरा ये वाला सीन आ गया, जिसकी वजह से मतलब कि कितनी अच्छी वेरिएशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक सीन रखता और वही चली जाता, दो घंटे मेरा वही सीन चली जा रहा है, तो मेरी वीडियो को मैं खुद भी नहीं देखता, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं, तो ये हमारा सारा का सारा पार्ट होता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। तो एक्सपोर्ट के लिए जो मैंने सेटिंग्स यूज़ की थी, सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे फाइल में लेफ्ट साइड में, और फाइल के अंदर जाके सबसे पहले मैं यहाँ से चूज़ करूँगा एक्सपोर्ट को, और सबसे पहले मैं जाऊँगा मीडिया के अंदर। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम अपना दे दूँगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखो किया हुआ नाम वगैरह दिया हुआ है, बोरिंग इंटू सिनेमेटिक ट्यूटोरियल करके, ओके। और यहाँ से आपने नीचे जाना है, और ये जो वीडियो थी मेरी 60 FPS पे मैंने शूट की हुई थी, यहाँ पे आ रहा है 59.94, ओके। और यहाँ पे आपने वीडियो वाला सेक्शन के अंदर आना है, जो आपको वीडियो वाला सेक्शन दिख रहा है, और बिल्कुल नीचे आके आपने टिक लगाना है। ये टिक भाई कभी भी मत भूलना, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, अगर आप काइन मास्टर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जो एक्सपोर्ट वाला जो लेवल होता है उसको हाई पे रख के एक्सपोर्ट करना है, ओके। और यहाँ पे आपने चूज़ करना है रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, ओके जी। और यहाँ से आपने एक और टिक लगाना है, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। यहाँ पे दोनों टिक्स को आपने अनेबल करके रखना है, तभी आपकी आउटपुट अच्छी आएगी। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो नीचे आके आपको मिल जाएगा परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको होना चाहिए हार्डवेयर एनकोडिंग करके, ओके। और बिट रेट आप रख सकते हो 10, ऐसा कुछ नहीं है कि बिट रेट आप बढ़ा दोगे तो बहुत ही आपकी पता नहीं वीडियो के अंदर क्या कुछ हो जाएगा, मतलब कि आँखें नहीं खुलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 यूज़ कर सकते हो, ओके। और सिंपली आपने इसको यहाँ से कर देना है एक्सपोर्ट, ठीक है, और कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। तो जी ये था हमारा पार्ट सारा का सारा, अब आपके सामने है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे ये भी बताना है कि आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन और भी चाहिए जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ आ सके। अब क्या होता है कि मैं वीडियो को एडिट करना तो बता देता हूँ, पर आपको पता नहीं लगता कि मैं कहाँ पर क्या कुछ कर रहा हूँ, कई बार आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है, मैंने देखा वीडियोज़ के अंदर, कमेंट्स में पढ़ता हूँ सबके। तो यहाँ पर आप एक बार देख लो, ये देखो मोस्टली सारी की सारी कटिंग की हुई है। अगर आपको इस कटिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए, मतलब कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये सीन्स कैसे लगाए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दे दूंगा, ओके। तो चलिए एक बार वीडियो को प्ले करके हम देखते हैं, और नीचे आपको पता लगता जाएगा जो हमारा ये जो सीक्वेंस है कैसे कैसे हमारे सीन्स शिफ्ट हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इतना कि आपको प्रॉपरली दिख जाए, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ वीडियो को प्ले, I don't know where you came from, I don't know what you did to my heart.
सो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन सीरीज का, जिसके अंदर आपको मैंने डिटेल बाय डिटेल सब कुछ समझाया कि कैसे आप शुरू से लेके एंड तक क्या कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हाई फाई, मैंने कुछ ऐसा तीर मारा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने आज से वीडियो एडिटिंग करना सीखा है तो आप अभी से ही कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो किया है, पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो मैंने समझाया उसको समझना पड़ेगा और डे बाय डे मतलब कि एडिटिंग को इम्प्रूव करो और आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि मुझे ऐसी वीडियोस और लानी चाहिए जिसके अंदर मैं आपको डिटेल बाय डिटेल समझा सकूं वीडियो एडिटिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।